टू ब्ले आई होप यू आर डूंग गुड हेल्दी हैप्पी सेफ एंड साउंड गाइस आज के टॉपिकाख दिन है वो है अबाउट आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन उनका जेलस एंड पोजेसिव बिहेवियर अबाउट यू अगर आप अपने किसी भी मेल फ्रेंड से बात करते हैं ठीक है ये रीडिंग लड़कों के लिए भी है आपकी पार्टनर अगर वो अपने किसी uh, यू you know, नो आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से बात करते हो तो उनका आपके पार्टनर का क्या होगा आपकी वाइफ का या गर्लफ्रेंड का ठीक है दोनों जेंडर्स के लिए ये रीडिंग है चलो जी अपना पाल सेलेक्ट कर ले आपके नेम मनीश हैं ग्रुप वन एंड टू अपना ग्रुप चूज कर ले आई सी यून य रीडिंग कमाउ आइए देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस कर रिएक्शन है एक्शन ओके फोर ऑफ वंस सेवन ऑफ पेंटिकल्स नोवे टू ऑफ कप्स Oops King of France oh, 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 oh. Justice ये तो होना चाहिए आपके साथ वैसे है ना Temperance इफेक्ट देते हैं इसको एंड व्हाट अबाउट आपकी एनर्जी क्या है आपके पास ऑफ सोर्स ओके सूट आठ अच्छा पता क्या बात आपके पार्टनर की आपकी लाइक like, अगर कुछ भी ऐसा होता है ठीक है आप दोनों तो के बीच में के सिचुएशन ये है कि आपके कुछ मेल बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट ठीक है एंड आप अगर उनसे बात करते हो आपके वो स्टिल कांटेक्ट में है शादी से पहले या इवन शादी के बाद भी तो आपके स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा ठीक है उस पर पहली बात तो ये है मैं बताऊँ आपको कि आपके स्पाउस टू ऑफ कप्स के साथ आपके सोलमेट हैं पहली बार ठीक है उनको इस चीज़ पे बड़ा मान है कि ये मेरी वाइफ है मेरी ये आ, पार्टनर है और ये कि मेरे सिवा ये कभी भी किसी और की ओर देख भी नहीं सकती और कभी भी किसी और की तरफ जाएगी भी नहीं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ठीक है तो विश्वास तो है आपके ऊपर उनको विश्वास तो है और ये कि ऐसा सोर्स के साथ ये लाइक ये है कि आपसे बात भी इस बारे में कर सकते हैं अगर उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है लेकिन वो कभी आपके बारे में गलत नेगेटिव नहीं सोच सकते क्या आप उनको चीट कर रहे हो या आप कहीं उनको धोखा ना दे रहे हो इस तरह की बात नहीं वो सोच सकते कभी भी आपके बारे में सही है लेकिन वट एल्स क्या मैं देख पा रही हूँ कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड ने सारी खराबी की है यहाँ <laughs> ये खराबी किया है आई डोंट नो आपको अच्छा लगता है नहीं ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ डिसअपॉइंटेड हो गए ठीक है एंड उनको ना उनको आपका फ्रेंड ऐसे लगेगा ऐसे यू you नो know, कोई खास नहीं है ऐसे ही है ऐसा सही है बस फजूल सा बोरिंग सा डल सा राइट आप उसके साथ फ्री हो रहे हो आप उसके साथ हाथ खेल रहे हो या आप उसकी किसी टेक्स्ट का जवाब दे रहे हो ना तो ये आपको ये कहेंगे अरे तुम क्या इसके साथ लगी रहती हो तेरा बोंगा सा है ये वो इस तरह के ये लाइक कमेंट्स वो देंगे कि यानी कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आपकी बातों में या जो भी आप उसके साथ कर रहे हो ठीक है ऊपर ऊपर से ये यही शो करेंगे कि भाई मुझे ये फर्क पड़ता करती रहो ठीक है है तो फजूल सा एक तुम्हारा दोस्त तो बरह ऊपर ऊपर से तो जेलस जेलस चीज़ें देख निकल रही ना जैलस है ना जेलस चीज़ें वरना वो क्यों कहेगा किसी को भी बुरा है ना तो आ, बुरा नहीं कहेगा लाइक इन अदर सेंस के डल है बोरिंग है फजूल है कुछ करता कर, भी नहीं है ढंग का तो ऐसा ऐसे ही बुरा है आपको हंसी आएगी राइट right? बट अगर स्टिल आप इंसिस्ट कर रहे हो अगर स्टिल आप उसके साथ हो और अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा यानी किबतें ज़्यादा बढ़ गई हैं आपकी दोस्ती उनसे ज़्यादा हो गई है ठीक है तो किंग ऑफ वैंस की एनर्जी उनके एकदम से उठेगी कहीं से लाइक टू टेक स्टैंड उस समय उनका गुस्सा जाग सकता है किंग ऑफ़ वैंस ओके और गुस्से वाले हैं ये आपके पर्सन बता दूँ मैं दी कि उनको लॉजिकल बातों पे गुस्सा आता है ठीक है ऐसे नहीं कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है मैंने पहले ही बताया है कि ये उस सूरत में होगा अगर एक यू ना लिमिट में चार चीज़ सही लगती है ना तो क्या अगर लिमिट क्रॉस कर दी आपने तो उनका रिएक्शन यही होने वाला हैल विल एक आउट ऑफ कंट्रोल ठीक है कि मैंने तुम्हें इतना भी मतलब ज़्यादा करीब जाने को नहीं कहा कि तुम ज़्यादा इतनी ज़्यादा तुम दिन रात उससे बातें करती रहती हो तो मेरा वक्त कहाँ है मेरा टाइम कहाँ है मैंने मेरे साथ नहीं तुमने ये नहीं कि मैं फिर जाऊँ लाइक यू विज चैरियड वी रेडी टू गो उसको आप नहीं कंट्रोल उस टाइम कर पाएंगे उनके गुस्से को बिकॉज ये पर्सन एकदम से उनको गुस्सा चढ़ना है वो जाने को भी तैयार हो जाएगा चैरियत रेडी टू गो यू के ठीक है फिर तुम वो मैंने के उससे दोस्ती रख लो तो फिर मैं जाता हूँ मेरा क्या काम है फिर है ना बात भी सच्ची है मैं मैं, मैं आज उनकी साइड पर हूँ यही कोई तरीक़ा नहीं है।, <laughs> है ना तो एनी आप उनका टाइम अगर उसको दे रहे हो अपने दोस्त को तो वो वो, वो उनका जेनवन रिएक्शन है ये इसमें कोई वो बात नहीं और जस्टिस दिस ही जस्टिस वो राइट पर है ठीक है वो सच्चे हैं वो सही कह रहे हैं और अगर आप किसी थर्ड पर्सन को भी इस लड़ाई में डालोगे किसी फ्रेंड को या किसी और चीज़ को से वो भी आपको यही कहेगा कि वो वो ठीक है ठीक है आप अपनी दोस्त को ज़्यादा तवज्जो मत दो बहरहाल आपके पर्सन जो हैं वो राइट चीज़ों पर स्टैंड लेने वाला है और उसको इज वेरी वाइज पर्सन बड़ी अकल बुद्धि है उनमें बेवकूफ़ और ऐसे पागल संसानी है ठीक है नाराज हो के भी जा सकता है अगर आप नहीं रुकते ठीक है आपको छोड़कर भी जा सकता है <laughs> टाइम भी नहीं नाराज़ हो गए आपसे राइट फिर आप जाएंगे पीछे मनाएंगे कि लाइक जस्ट टाइम स्टाडा जस्ट मैं तो बस फ्रेंड है मैं तो बस इसी तरह बात कर लेती हूँ जब बोर हो रही होती हूँ आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं उससे बात कर लेती हूँ तो फिर उनको और भी गुस्सा आ सकता है अच्छा यानी कि अगर मेरे पास वक्त नहीं है तो मेरी रिप्लेसमेंट होने लगोगी <laughs> बड़ी गुस्से वाला बता दूँ वाले किंग्स ऑफ ही कैन बी लाइक फायर साइन हो सकते हैं रिजली सैजिटेरियस या फिर कैंसर हो सकता है कैंसर के भी बड़े इमोशंस होते हैं भाई गुस्सा बहुत uh, सामान पर चढ़ता है या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं ओके सैजिटेरियस इज़ ऑल अबाउट कि जब फरी मूड में है तो बहुत ज़्यादा मज़ाक है बहुत ज़्यादा फ़न है बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है लेकिन अगर उनका गुस्सा चढ़ गया ना तो बस चेजिटेरिस का गुस्सा अनएक्सपेक्टेड <laughs> होता और बहुत ज़्यादा होता है राइट ओके okay. चलो फिर ये है कि आप मनाने ऑफ सोर्स के साथ बात आपसे वो करेंगे ये नहीं है कि ब्लॉक कर दिया और कॉल नहीं उठा रहे नहीं कॉल भी उठाएंगे बात भी करेंगे बिकॉज आपके भी ना वो रह नहीं सकते <laughs> तो देरस हाउ योर पर्सन रिएक्शन कैन बी चलो जी कुछ और देखते हैं उनका रिएक्शन मुझे पता है आपको बड़ा मज़ा आ रहा है उनको गुस्सा चढ़ा के सारा मुझे पता है आप लोगों का है नी इसलिए आज मैं जो हूँ अपने ब्रदर के साइड पे हूँ ब्रदर इन लॉ के साइड पे हूँ है ना अच्छा गाइज सेम गोज़ फॉर गाइज आई नो वो लड़के जो आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी रहने वाली है ओके okay? कि मतलब वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी किसी भी इसी किस्म का कोई भी रिएक्शन सो सेम गोज़ फॉर योर पार्टनर जो फ़ीमेल है वो भी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि आप अपने किसी फीमेल फ्रेंड को इतना टाइम दे रहे हो और वो भी सीधा नाराज़ होकर के जा सकती हैं ठीक है चले क्या है आपकी क्या मिस्ट्री दोनों की कीप एन ओपन माइंड योर सोल बट मे डिफ़र फ्राम यू यूजल टाइप इन एक्सपेक्टेश मैंने कहा है अनएक्सपेक्टेडली इनका बिहेवियर बदल सकता है हो सकता है शुरू शुरू में मतलब आपको ना मना करे मैंने आपको टैरो में भी यही बताया था तो शुरू में हो सकता है यू विल टेक इट लाइटली कि इट्स ओके कोई बात नहीं मतलब यू विल भी लाइक कि कोई बात नहीं मतलब बोरिंग है फजूल है पहले इस तरह के नॉर्मल कमेंट्स देंगे लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उनका माइंड एकदम से बदलेगा एकदम से गुस्सा उनका शूट कर सकता है एकदम से वो अपना पूरा ऑल टुगेदर बिहेव बदल सकते हैं तो कीप एन ओपन माइंड कोई ना ये अब किसी को फैमिली में ना रहना का मुझे कुछ नहीं कहेंगे राइट लव य उनको ना उनका एक और चीज़ आ रही है यहाँ पर उनका एक ऐसा मानना है कि अगर आप बोर भी हो रहे हो या जो भी है ठीक है तो आप एक तो अपनी सेम जेंडर की दोस्तें रखें राइट या फिर वो अगर आपको ऐसे लगता है कि अक्सर सेम जेंडर्स के लोग फ्रेंडशिप पे बिलीव नहीं रखते सेम जेंडर्स में बिकॉज uh, सेम जेंडर में जेलसी बहुत होती है और दूसरी बात यह है कि लाइक uh, ऐसे कुछ लोगों की सबके नहीं कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि डीव बहुत होता है डिसी बहुत होती है और दूसरी है कि हमारा ये जो कल्चर है उसमें होता है एक दूसरे के पार्टनर पर नज़र ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आप अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हो अपनी फ्रेंड्स में अगर आप रिलेशनशिप में हो अपने पार्टनर के साथ तो अक्सर ऐसे होता है सबके लिए नहीं सबकी फ्रेंड्स ऐसे नहीं होती लेकिन ऐसे होता है तो यूल बी लाइक अगर नहीं आपको रखनी दोस्त तो आप अपने आप में रहो ना लव योर सेल्फर्स राइट मेल दोस्त रखने की क्या ज़रूरत है बड़ी हुई पर्सन का रिएक्शन आ रहा है ठीक है डिसेप्शन ओ हाँ समन इज बरिंग अ मैस मैस्क इन दिस रिलेशनशिप देखो ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में उनके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि ये मुझे धोखा ना दे दे, ठीक है या अगर आपके बारे में वो नेगेटिव ना भी ना ना सोच रहे हो तो वो लड़का है ना लड़के का लड़कों को पता हो, लड़कों को लड़के का पता होता है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है राइट इल बी लाइक कि ये तो इनोसेंट है इसको अगर इतना नहीं भी पता ना लेकिन उसकी नीयत का क्या अगर उसकी नीयत ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा ठीक है तो ये उनके ज़ेन में आ सकता है कि अगले की नीयत का तो नहीं पता होता आपका तो उनको पता लेकिन वो उस पर कैसे ट्रस्ट करें ठीक है ना अपनी सारी दुनिया जो आप हो उसके हाथों में कैसे दे दें हाओ राइट लेट्स मूव ऑन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन गाइज यू सी दिस गाय देखो तक कैमरा फोकस यस सी ये कैसे नाराज़ हुआ है एंड द गर्ल लड़की इसको मना रही है उसको मनाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने मुंह उधर किया हुआ है राइट right? दिस ये सिचुएशन होनी है आप दोनों की ये नाराज़ हो जाएंगे ये पक्की बात है नाराज़ हो जाएंगे ठीक है फिर आप ऑनेस्टली उनको बताओगे कि नहीं मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है इज़ जस्ट अ फ्रेंड हम लोग जो भी आपकी जितनी देर से भी फ्रेंडशिप है उसके साथ स्कूल से कॉलेज से या शायद आपके मोहल्ले में रहती हैं वट एवर रखी है सेंस लेकिन आप फिर उसको समझाने की कोशिश करोगे कि माय डार्लिंग ऐसी कोई भी बात नहीं है लेकिन तो ये नहीं मानने वाले ठीक है आपको आई थिंक उसे फ्रेंडशिप छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स ये साइंस आर कॉशनिंग यू गाइज ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके पार्टनर स्पाउस हैं हस्बैंड हैं जो भी हैं ठीक है थीके? तो ये साइंस आपको कॉशन कर रहे हैं आपको मतलब जिसे इंडिकेट कर रहे हैं आपको अलार्म कर रहे हैं ठीक है उनकी जो साइंस है उनका जो गुस्सा जो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है कि ये किसी बड़े प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर सकता है ब्रेकअप तक जा सकता है डाइवोर्स सेपरेशन तक भी जा सकता है बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पजाजिव हैं आपके लिए और वो आपकी खातिर कुछ भी कर सकते हैं ठीक है थीके? हो सकता है इनकी उनसे लड़ाई हो जाए फिर ठीक रहेगा है ना नहीं ना तो बहरहाल इस पर्सन की बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं आपको लेकर के और ये आप पर तो ट्रस्ट करते हैं लेकिन इनको दुनिया पे ट्रस्ट नहीं है इनका ऐसा सिस्टम है ठीक है तो देखें आपको दो अलार्मिंग कार्ड आए हैं डिसेप्शन एंड पे अटेंशन टू तो रेड फ्लैग्स ठीक है तो ये वेरी अलार्मिंग बहुत अलार्मिंग है एंड ये पर्सन चाइल्ड कार्ड भी था इसको मतलब नाराज़ होकर चला जाएगा मनाना मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए ज़रा दोस्त को तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा और फिर इनके साथ फिर लड़ाई हो जाएगी राइट और आपका दोस्त आके आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा दैट्स इट क्योंकि वो आप दोनों के मैटर में नहीं आएगा मुझे उसकी यहाँ कोई एनर्जी नज़र नहीं आई ना वो आकर के सुलह कराएगा क्योंकि उसके माइंड में ये है कि अब मैं बीच में मज़ीद आया या मैंने इसको कॉल की मतलब जो आपका बॉयफ्रेंड है या आपका जो हस्बैंड है उसको मैंने अगर कुछ बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो फिर वो नाराज़ होंगे कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाले ठीक है दैट्स हाउ द एनर्जी इज़ अबाउट योर पर्सन सो आई होप ये बड़ी इंटेंस रीडिंग थी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया आज तो है ना थोड़ा ज़्यादा सीरियस रीडिंग थी मैं तो सीरियस रीडिंग्स वैसे करती नहीं होती जस्ट टू मेक यू हैप्पी आपकी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए बट आज हो गई है एनी वेज आई होप यू लाइक दिस बाय बाय एंड टेक केयर हेलो हेलो फाइल टू लेट्स सी आपके फ्यूचर्स बा का क्या रिएक्शन होने वाला है बाउट आपके अपने फ्रेंड से मेल फ्रेंड से या आपके जो भी जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर से आप जब आपकी दोस्त है आपकी ज़्यादा ही दोस्तियाँ चल रही हैं आजकल उनको आप वक्त नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी अपने पार्टनर को क्या रिएक्शन होने वाला है चलो जी ऑफ Pentacles, page of cups, chariot, hangman, <laughs> <Every night laughs> sweetheart, four of wands. सेवन ऑफ कप्स मून जी गाइज पल टू आपके पार्टनर का रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंगेयर आपके पार्टनर एक बहुत ही होमली पर्सन है ओके okay? ये वो पर्सन है जो वक्त पे घर आता है घर आके फैमिली के साथ रात को डिनर करता है बच्चों के साथ खेलता है पेट्स रखे हैं उनके साथ खेलता है जो भी पेट रखा है उसको खाना छाना जो भी जिम्मेदारियां होती हैं पेट्स की भी वो अपने पेरेंट्स को अकॉर्डिंगली ड्यूट टाइम देता है जितना उनको चाहिए ठीक है इस तरह का ये इंसान है और कहीं कही ना कहीं ऑफ ब्यांस के साथ आपकी शादी को आपके साथ शादी को वो अपनी समझता है खुशकस्मती अपनी एक गुड उमन एक अच्छा जो इसे शगुन भी ये क्या है उसे कहते हैं वो समझता है एक अच्छा गुड थिंग हैपन टू हिम है, ओके गुड लक अपनी समझते हैं तो बहरहाल आपकी अगर इस तरह का है कि आपके किसी कोई, किस, कोई फ्रेंड है मेल फ्रेंड है और आप उससे आप ज़्यादा बिहेव ज़्यादा बातें करते हो या आपकी ज़्यादा दोस्ती है या इस तरह की कोई चीज़ है तो ये पर्सन हैंगमैन मैन के साथ साइलेंटली ऑब्ज़र्व करेगा ठीक है ये पर्सन साइलेंटली ऑब्ज़र्व करेंगे एंड आई थिंक ज़ाहिर उनको अच्छा तो नहीं लगेगा कि ये ज़्यादा बातें करती है अपने दोस्त से तो फिर वो ऐसे करेंगे कि चुप हो जाएंगे ये पर्सन साइलेंटली ऑब्जर्व करके साइलेंटली एक्ट करने वाला है ना तो ये आपके सर पे बोलेगा ना ही आपके सर पे शाउट करेगा ना ही इस तरह का है कि लाइक रिएक्ट करे, करे या ओवर रिएक्ट करे या मार-पीट हो रही है या गुस्सा चढ़ रहा है या शाउटिंग हो रही है यू नो इट्स नॉट हिज हिस्का इसको चाहिए है काम डाउन सिचुएशन हर इनको ना सुकून की ज़िंदगी पसंद है कि घर गाँव में आराम से पत्नी हो बच्चे हो आराम से खाना पिए खा खाए पिए घूमने चले जाएं जो भी सिस्टम है और इस तरह से सुकून की ज़िंदगी गुजर जाए इनको ये बीच में ट्विस्ट और वो थर्ड पार्टी तो फोर्थ पार्टी तो ये चीज़ें ना ये ये इनकी नहीं है ये ख़ुद भी ऐसे नहीं है ठीक है तो बहाल अगर आपकी कोई इस तरह का सीन चलता भी है आप किसी से ऐसे बात भी करते हो तो इनको दिल दिल में गम आएगा मून एनर्जी इनका दिल टूटेगा इनका हार्ट ब्रेक होगा कि मैं इसको हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ ऑफ पेंटिकल्स हर चीज़ मैंने इसको दी है मैं इसका पति हूँ या बॉयफ्रेंड हूँ जो भी आम, मैंने इसको लाइक एक शहजादियों की तरह रखा हुआ है बिल्कुल अपने इतनी मोहब्बत दी है तो फिर क्या नीड है क्या ज़रूरत है कुछ और के पीछे जाने की या उससे बातें करने की मैं कम हूँ ठीक है तो सेवन ऑफ कप्स के साथ हो सकता है इनका रिएक्शन ये भी हो कि अपने आप को इंटरनेट में बिज़ी कर ले कोई और काम में बिज़ी कर ले आपसे वो बात भी नहीं करेंगे हैंगमैन चुप हो जाएंगे जब तक उनको ये होगा कि इसको ख़ुद एहसास हो ठीक है अगर आप अपनी फ्रेंड से बातें कर रहे हो ये गाइस सेम गोज फॉर बोथ जेंडर्स आ, अगर आपकी फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ अपने फ्रेंड से बात कर रही है या जो भी इसका सिस्टम है ये ऐसे करेंगे कि इग्नोर यू ऊपर ऊपर से अंदर से नहीं ऊपर ऊपर से या इनको होगा कि इसको खुद एहसास होना चाहिए इसको ख़ुद एहसास होगा कि ये मुझे इग्नोर कर रही है ठीक है एंड अन टिल अगर आपको एहसास हो जाता है तो वेल एंड गुड और अगर आपको एहसास नहीं होता गायस तो ऐसे लोग एक्ट करने में एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ वो लोग फिर भी बेहतर होते हैं कि जो गुस्सा दिखा देते हैं एंड आप पे आउट कर लेंगे आपको मना कर देंगे आपसे नाराज़ हो जाएंगे अपने कॉल किया उस पर शाउट करके आपको डांट देंगे ये फिर भी दैर बिकॉज वो लोग प्रैक्टिकली नहीं इतना आपका बुरा करते ठीक है या प्रैक्टिकल टर्म्स में वो इतने नहीं होते कि इतना जहर फैलाएं लेकिन ये जो लोग साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं ठीक है साइलेंट ऑब्जर्वर हमेशा अपनी स्ट्रैटी बनाता है वो स्ट्रैटी जब वो बनाता है पूरी प्लानिंग के साथ उसका एक डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है और उस डिसीजन को आप कभी भी नहीं ख़त्म कर सकते मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज उसने उस पर रिसर्च बहुत की होती है उसने उसके प्रोज एंड कौनस बहुत देखे होते हैं ये देखा होता है कि उसने बहुत इंतज़ार बहुत किया होता है ना ठीक है जो एकदम से अक्शय ने उसे इंतज़ार नहीं किया होता उसने देखा ही नहीं होता मतलब क्या ये इतना उसने रिसर्च भी नहीं की होती और बस ऊँ उठा के बोलने शुरू हो जाता है वो फिर भी अपने डर से इन बदल लेते हैं लेकिन ये लोग नहीं बदलते ठीक है तो आपको मैं ये समझा रही हूँ कि इस तरह की कोई बात हुई वो आपको नहीं मना करेंगे अगर आपको खुद से एहसास नहीं होता तो ही विल मूव ऑन ठीक है ही विल मूव ऑन और आप उनको नहीं रोक पाओगे चाहे आप पचास सबूत लेके आ जाओ ऐसा कुछ नहीं था चाहे आप एक करोड़ सबूत लेके आ जाओ कि ऐसा कुछ नहीं था राइट अच्छा मैं ये हमें साइलेंट ऑब्ज़र्वर का मतलब ये नहीं कि उसने आपको बताया ही नहीं कि उसको बुरा लग रहा है वो बताए कहाँ कि लाइक डाल लेंगे मुझे भी वक्त दिया करें आप क्या उसके साथ ही लगी रहती है मैं भी तो कुछ लगता हूँ आपका राइट लेकिन अगर आप नहीं समझते तो फिर वो आपको एक वक्त आता है कि मना करना बंद कर देते हैं ठीक है कि ठीक है लगी रहो डेटों की तरह ठीक है फिर जब उनका एक स, फाइनल डिसीजन निकलेगा मूव ऑन का सेपरेशन का या कुछ जिस तरह से भी उनको लगेगा कि पनिश करना ठीक है वो करेंगे ठीक है लेकिन मून एनर्जी दिल उनका नहीं लगेगा किसी के साथ भी और कभी भी ये होता है ना हार्ट ब्रेक फॉर एवर आई थिंक ये पर्सन जैलेस होता है अंदर से काफ़ी लेकिन ये जैलेसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है कहीं ना कहीं ठीक है तो बी वेरी केयरफुल इस तरह के लोगों से आप uh, कभी भी इनका माइंड सेट नहीं बदल सकते हो माइंड नहीं बदल सकते हो क्योंकि इन्होंने जितना इंतज़ार किया होता है ना ये Um, पूरे प्लानिंग के साथ फिर आते हैं कम बैक करते हैं राइट सो बी वेरी केयरफुल लेट्स सी मोर कार्ड्स अबाउट दैम चिल्ड्रन हो सकता है अगर आपके बच्चे हों इनके साथ तो थोड़ा चीज़ में नरमी आ सकती है एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यू हैव नो नीचर बिफोर आई थिंक आपके पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हैं शायद कोई आपका एक्स हो जिसका उनको पता हो या इनको कोई इस तरह का सीन है कि थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ है ठीक है कोई पास्ट लाइफ उनकी या आपकी जो बीच में आ सकती है तो उनके जहन में वही आएगा कि ये फिर वैसा ना हो जाए जैसा पहले हुआ था ठीक है ये चीज़ उनको डिस्टर्ब कर सकती है कि जो आपका दोस्त है ना वो फिर जैसे पहले एक्स ने किया उस तरह ना करें तो फिनंस इज़ एंड करियर तो इज़ अ इशू तो फिनैंशियल प्रॉब्लम या फिनेशियल इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़े इनसेर हो मे बी वो उतने ज़्यादा रिच ना हो या आपका दोस्त बहुत ज़्यादा रिच हो उनके के नस्बत ठीक है तो इस वजह से भी वो थोड़े कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं कि शायद इस वजह से उससे बात करती है वो ज़्यादा अमीर है ठीक है तो बहरहाल जो भी है ये आपके पर्सन का रिएक्शन है and um, that's how he will react towards you. so I think he is silent है लेकिन doer है doer ठीक है ये बहुत end में act करेगा लेकिन जब एक्ट करेगा तो वापसी का रिश्ता नहीं होगा ठीक है तो बी वेरी केयरफुल एंड जैलेस है लेकिन एंगरी नहीं है एंगर इन्हें दिल में रखा हुआ है ठीक है बेहतर यही है कि कोई भी ऐसा सीन क्रिएट ही ना करें राइट आज इसमें आपको पता हो कि जहाँ ढीठ ना बने स्पेशली इनके साथ अगर इन्होंने मना किया कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मान जाए ना ढेर बनने का ढेट इंसान का तो वैसे ही यू you नो know, अंजाम वैसे ही नहीं सही होता ठीक है तो दैट्स हाउ योर पर्सन इज और इस तरह से होगी बातें ठीक है जी आई होप यू लाइक दिस इन एंड सब्सक्राइब बाई बाय ठीक है